हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी चैनल, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पिक्सल ऐप में थंबनेल कैसे बनाते हैं। और मैंने पिक्सल ऐप पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो सबसे पहले हम पिक्सल ऐप में चलते हैं। पिक्सल ऐप में सबसे पहले आपको ये बैनर दिखाई गया, आप जो भी मर्जी आप बैनर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। कई प्रकार के बैनर आपके सामने दिखाई देते हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपको कोई भी बैनर सेट करके दिखाते हैं। जैसे वाइट ही करके दिखा लेते हैं। वाइट करने के बाद में आपको सबसे पहले बैनर इमेज साइज सेट करना है कि बैनर कितने साइज़ का होना चाहिए। तो आप इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे। इमेज साइज़ पे क्लिक करने के बाद में आप कस्टम पे क्लिक करना। कस्टम पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि यूट्यूब थंबनेल पे आप क्लिक करना। यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करने के बाद में आपको ओके कर लेना है। तो ये यूट्यूब थंबनेल की पूरी साइज़ आ चुकी है। तो इसके बाद में आप एक ही निशान पे जाएंगे सबसे पहले वाले पे, फिर उसके बाद में टैक्स पे आपको जो भी टाइटल लिखना है उसको प्लस के निशान पे ओके करेंगे। अब ये प्लस के निशान पे ओके करने बाद में आपके पास में न्यू टैक्स आ चुका है। तो न्यू टैक्स आने के बाद में आप किसी भी टाइटल का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में न्यू टैक्स लिखने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो इसको हम न्यू टैक्स को मिटा देंगे और अब नया लिख देंगे। जैसे हमने YouTube चैनल ग्रो कैसे करें, YouTube चैनल ग्रो कैसे करें, ये टाइटल हमने बना दिया है। इसके बाद में हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देखना आप ये इमेज साइज बैनर का जो बना हुआ है अपने पास में उस पे ऊपर आ चुका है। अब इसको हम साइज बड़ी छोटी करने पर तो हम टिक के निशान पे जाएंगे। टिक के निशान पे क्लिक करने के बाद में ये देखो आपके सामने इसकी छोटी बड़ी साइज करने का ऑप्शन आ चुका है। ये आपके सामने देख सकते हो, जैसे हमने इसको सेट कर लिया है और ये अपने पास सेट हो चुका है यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करें। तो इसको हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में आपको इसको जो भी कलर आपको देना है उसमें आप कलर दे सकते हैं। जैसे अपने पास कई कलर हैं, लेकिन आप जितनी आपकी जो भी इच्छा हो, जैसे रेड दे सकते हैं, पिंक दे सकते हैं, ब्लू नीला, जो भी कलर आप देना चाहें वो आप इसमें कलर दे सकते हैं। जैसे हमने रेड इसमें कलर चॉइस कर लिया है। रेड कलर चॉइस करने के बाद में इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये देखो ओके हो गया है। इसमें बहुत से ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिखा रहा हूँ। बी के निशान पर आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो इस पर बी पे क्लिक करने के बाद में इसको बी पे क्लिक करते ही ये गहरा हो जाएगा और इसकी साइज में मोटी हो जाएगी और इसमें ग्लो आ जाएगा। मतलब इसके बाद में इसको ओके कर देंगे। ये अपने पास में उसके ऊपर बैनर पे लिख गया है। इसके बाद में आप जो भी बैनर पे आपने इमेज लगाना चाहते हैं तो इसमें बीच वाले पे निशान पे क्लिक करना है, जो गोल फुटबॉल की तरह निशान है। इसके अंदर आप इम्पोर्ट पे जाओगे जिस इमेज वाले पे, तो आप कोई वो गैलरी में ले जाएगा। गैलरी में ले जाने के बाद में आपको देख रहे हैं कोई भी इमेज आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको समझ ले इसको मोजी को सेट कर लिया है। ये मोजी अपने पास में आ गए हैं। आप मोजी को किसी भी 1x1 में, 16x9 में, 4x3 में जो भी सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे हमने 1x1 में साइज कर लिया है। इसके बाद में आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये देखिए ओके कर रहे हैं, और ये ओके करने के बाद में अपने ये बैनर के ऊपर आ चुका है। आप इसको जैसे भी सेट करना चाहें, छोटा बड़ा करके आप कर सकते हैं। जैसे हमने इसको छोटा बड़ा करके इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं और इसको साइज को सेट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये छोटा बड़ा हो रहा है। और ये देखो ये आपके सामने ये लग चुका है। ये आपके लिए मैंने बनाया गया है, ये हम आपको समझाने के लिए बनाया गया है, जिससे आप कोई भी ये लगा सकते हैं। इसके बाद में आप उसका बैक साइड में कलर दे सकते हैं और एक इमेज साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसकी बैक साइड में जो भी इमेज लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। गैलरी से इमेज लेके उसके पीछे बैकग्राउंड वाली इमेज पे लगा सकते हैं फ्रॉम गैलरी में जाके। जैसे हमने वाइट पे ही कर रखा है, तो आप जो भी इच्छा हो जैसे लगा सकते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा वो आती हैं, आप देखना। और इसके बाद में आपको अगर स्टिकर लगाना है
तो आप स्टिकर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कोई भी, जैसे अपने को कुछ भी लिखना है, कैसी साइज में लिखना है, वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी दिखा देगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। ये न्यू टेक्स आ रहा है तो इसको हम कट करना चाहते हैं तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये एकदम गायब हो जाएगा। और ये आपका बैनर तैयार हो गया है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन आपको मैं इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिखा रहा हूँ जो आप बैनर में इमीडिएटली बैनर बना सकते हैं। और आपको ये बैनर समझ में आ गया हो, अगर मेरा बताया हुआ जो भी आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद। और आपको ये सबके लास्ट में इसको सेव करने रहे तो प्लस की इस साइड में जो सिम का सा निशान आ रहा है इसके आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर सेव ए प्रोजेक्ट, उसके बाद में सेव ए इमेज पे क्लिक करना है वो। और इसके बाद में सबसे नीचे ऑप्शन में जाना सेव टू गैलरी, इसके में आपको क्लिक करना है और ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। आपको मेरी जानकारी आई होप समझ में आ गई होगी।